వికారాబాద్ జిల్లా కొండకల్ పట్టణ కేంద్రంలో నేడు ఏఐఎంఐఎం పార్టీ 65వ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు పట్టణ కేంద్రంలోని పార్టీ కార్యాలయంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. వేడుకల్లో భాగంగా కొండకల్ నియోజకవర్గ ఏఐఎంఐఎం పార్టీ అధ్యక్షులు పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం పార్టీ శ్రేణులతో కలిసి కేక్ కట్ చేసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, దేశంలో ముస్లిం దళిత గిరిజనులపై రోజురోజుకు అణచివేత కుట్రలు జరుగుతున్నాయని, దానికి ధీటుగా వచ్చే ఎన్నికల్లో ఏఐఎంఐఎం పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చి తగిన గుణపాఠం చెప్పాలని సూచించారు. కొందరు రాజకీయ నాయకులు తాము వచ్చిన తర్వాతే కొండగల్ నియోజకవర్గానికి పేరొచ్చిందని ప్రగల్భాలు పలకడం సరికాదన్నారు. కొండగల్ నియోజకవర్గానికి స్వతంత్ర పోరాట సమయం నుండే మంచి పేరుందని గుర్తు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏఐఎంఐఎం అధ్యక్షుడు ఎస్బి గుల్షన్ తో పాటు పార్టీ ముఖ్య నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. राशि बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमको इत्तेफाक से इतिहास से रहकर मजलिस के साथ रहना है, मजलिस के हाथ को मजबूत करना है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ को मजबूत करना है, क्योंकि आने वाले वक्त में इलेक्शंस आ रहे हैं, हम सबको मुत्तहिद होकर लड़ना है मजलिस का साथ देकर, क्योंकि ये सरपसन आज जो फिरका परस्ती फैला रहे हैं, मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हैं, दलितों पर जुल्म ढा रहे हैं, यष्टियों पर जुल्म ढा रहे हैं, ये जुल्म को बंद करना है, इनका खात्मा करना है, तो हम सबको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देना चाहिए. और चंद लोग बोल रहे हैं कि कुलंगल गड्ढा फलां का अड्डा, ये अड्डा किसको बोलते हैं आप लोगों को मालूम है? अड्डा अरे फलां जगह जाए तो वहाँ अड्डे पे कुछ मिल जाती, ये अड्डा नहीं है, ये हम कुलंगल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदर मुकाम है. जब ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कुलंगल में ख़त्म रखी, जब से सारे हिंदुस्तान के अंदर कुलंगल का नाम रोशन हुआ, ये अरे घरों की तरफ से कुलंगल का नाम मशहूर नहीं हुआ, एक ज़माने से कुलंगल का नाम मशहूर है, कुलंगल पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, फला आदमी एक आदमी आने से कुलंगल का नाम मशहूर नहीं भी नहीं होता, क्योंकि हमेशा से 100, 2, 3, 4, 5 हज़ारों सालों से कुलंगल का नाम है. फला एक जने आगे बोल दिया कि कुलंगल मेरे तरफ से नाम हुआ, ये मजलिस इत्तेहादुल का तुफेल है कि सारे हिंदुस्तान में कुलंगल का नाम मशहूर है. मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो सियासी मैदान में आगे आए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा गरीबों मजलूमों के साथ दे रही है और हमेशा देते रहेंगे, आप सियासी मैदान में आइए, हम तुम्हारे साथ हैं, कंधा में कंधा लगा के चलेंगे इंशाल्लाह. ये 65वीं सालगिरह हम सब मजलिस मुस्लिमीन के साथ जम्मू 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 असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी गुलशन भाई गुलशन भाई गुलशन भाई जमायम जमायम जमायम. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आज का जो ये प्रोग्राम है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 65वीं सालगिरह यानी यौम तासीस के मौके पर दफ्तर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर परचम कुशाई अंजाम दी गई है. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद जमात है जो सारे हिंदुस्तान के अंदर गरीबों यतीमों मजलूमों के लिए लड़ रही है. शायद ही कोई जमात ऐसी नहीं है कि कोई गरीब मजलूमों के लिए लड़ रही है. आज देखते जाएं आप तालीम की मैदान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो बच्चे गरीब बच्चे ऑल इन वन गाइड्स नहीं खरीद सकते, मजलिस इत्तेहादुल तालीमी मैदान में ऑल इन वन गाइड बांट रही है. और देखिए दवाखाना है, दवाखानों में भी जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब के दवाखाने हैं, कोई हिंदुस्तान के अंदर उतनी कम फीस कहीं भी नहीं है जितना हैदराबाद के अंदर है. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 65 साल से हुकूमत कर रही है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है. जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब नहीं कमज़ोर थी, कोई नहीं था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में, सिर्फ 4 या 5 आदमी थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से करोड़ों की तादाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में लोग दरजोग हिस्सा ले रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम सारे हिंदुस्तान में लग रहा है. जमायम जिंदाबाद जमायम जिंदाबाद असा साहब जिंदाबाद कुमार साहब जिंदाबाद हुसैन भाई जिंदाबाद. आज देखते जाएं कि हैदराबाद के अंदर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने 15 से 20 हज़ार बच्चों को फ्री तालीम दे रहे हैं. कोई पार्टी ऐसी है बताओ कोई दे रही है तो अपने जेबा खां भरने के हद तक है, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो वाहिद जमात है
गरीब और मजलूमों की जमात है जिसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये दो शेर सारे हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं। आप NRC के टाइम पे देखिए, सब में पहले आवाज उठाने वाले का नाम असदुद्दीन अवैसी साहब है। पार्लियामेंट के अंदर NRC के बिल को पढ़ा। ऐसी जमात का हम साथ देंगे तो इंशाल्लाह हिंदुस्तान में मुसलमान और गरीब दलित ST ST सब सुरखुरु रहेंगे। आज दलितों पे देखिए, जहाँ हर जगह जुल्म होता जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, क्यों हो रहा है? ये मुसलमान और दलित और ST ST सब मिल जाएंगे ना, ये कोई खाम नहीं रहेंगे। आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें, क्योंकि ये 65 साल से हुकूमत कर रही है। आज जब एक MLA था, आज पूरे हिंदुस्तान में हमारे MLAs हैं, हमारे कारपोरेटर्स हैं और हमारे MPs हैं। अगर हमको आवाज़ उठाना है तो हम इनका साथ देना है। हमारे नौजवानों से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो सियासी मैदान में आगे आएँ। आप ये दूसरी जमातों में जाएंगे तो हम उनके पैरों तले रहेंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ आएंगे तो इंशाल्लाह आप पार्लियामेंट के अंदर भी होंगे, असम्बली के अंदर होंगे, म्यूनसिपाल्टी में होंगे, ग्राम पंचायत में अपने आदमी होंगे। क्योंकि हमको सियासी मैदान में मुकाबला करने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम कहाँ के म्यूनसिपाल्टी में